चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कजाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा किया और जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने वाजे कर दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। वो शरीक टीमों के क्रिकेट बोर्ड्स के साथ राबते में हैं। आपको बताएं कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कजाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा किया है। उन्होंने वाजे किया इस मौके पर कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। दीगर बोर्ड से मुसलसल राबते में हैं। 31 दिसंबर तक कजाफी स्टेडियम की मरकजी इमारत मुकम्मल कर ली जाएगी। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा से। जी गुलाम मुर्तजा, अपडेट कीजिएगा। ने कजाफी स्टेडियम का दौरा किया और कजाफी स्टेडियम में चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से जो तरक्याती काम है उसका जायजा लिया है। उसके बाद उन्होंने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। जय शाह जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं उनके साथ वो वक्तन फवक्तन रबते में रहते हैं और दीगर मुतलका जो बोर्ड्स हैं जिन्होंने चैंपियन ट्रॉफी में शिरकत करनी है उनके साथ भी रबता रहता है। तो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी और इंग्लैंड सीरीज के हवाले से उनका ये कहना है कि मुल्तान और रावलपिंडी में इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट मैचेस है वो खेले जाएंगे, ना कि सीरीज किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल की जाएगी। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना और साथ ही उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो कजाफी स्टेडियम का काम है वो दिसंबर के एंड तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि कजाफी स्टेडियम की जो बेसमेंट है वो 30 सितंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। जो फ्रंट उसका स्ट्रक्चर होगा वो स्टील का होगा। और बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तजा अपडेट करने के लिए।